हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग आपके लिए लेकर आए क्लास 10th का ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 2 का, दैट इज योर पाइथागोरस थ्योरम। इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोग ने ये देखा था कि टॉपिक्स टू बी स्टडीड किया, तो प्रैक्टिस 2.1 में हमने ये डिस्कशन आउट किया था कि भाई देख पाइथागोरस आपको सॉल्व करना है, इस पे हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया। पाइथागोरियन ट्रिपलेट करना है, इस पे भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। ज्योमेट्रिक मीन हो गया 30, 60, 90, 45, 45, 90 हो गया। डायगनल्स में हमने एक क्वेश्चन दैट इज योर स्क्वायर के ऊपर सॉल्व किया, रेक्टेंगल का क्वेश्चन बाकी है। तो इसी के साथ साथ हमने टोटल 7 क्वेश्चन प्रैक्टिस 7.1 के 7 क्वेश्चन कंप्लीट आउट किए। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले डायगनल ऑफ रेक्टेंगल पर वीडियो है, और फिर आप एप्लीकेशन वाले बेस्ड क्वेश्चन है जो कि एप्लीकेशन किसका रहेगा, तो भाई पाइथागोरस थ्योरम का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। तो चलिए जब मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूं, तो यहां पर क्या बोला, देखो फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल दिख रहा है क्या? नहीं, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया भाई, क्वेश्चन में आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो हमने क्या किया भाई, तो सबसे पहले रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। अब रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया तो इसका भाई डायगनल भी बना दो, तो ये लो डायगनल भी बना दिया। अच्छा, अब इसमें ना इसको नेमिंग कर दो, इसका नामकरण बहुत अच्छे से करो, ए फिर बी फिर सी फिर यहाँ पर आएगा डी। अब लेंथ, लेंथ मतलब क्या होता है, ये वाला वैल्यू, तो इसको हमने 35 दे दिया और ये भी 35 हो जाएगा। ब्रेथ मतलब ये वाला वैल्यू, ये 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा। अब जैसे देखो तुमने डायगनल बनाया ना, डायगनल का वैल्यू को फाइंड करना है, तो ये ना दो राइट एंगल ट्रायंगल्स में कन्वर्ट हो गया। तो जब मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं लिखने वाला हूं इन ट्रायंगल ए बी सी। मतलब हम इसमें से क्या यूज करने वाले हैं, ध्यान से देखो, हम इसमें ये पैटर्न यूज करने वाले हैं, सिर्फ इतना, बराबर। लेकिन इसको लिखने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, देख भाई ये सारी चीजें तो मुझे लिखनी पड़ेंगी ना, तो मैं इन ट्रायंगल एबीसी डायरेक्टली नहीं स्टार्ट कर सकता। पहले मुझे यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ये क्या है भाई, तो रेक्टेंगल है। और फिर अगर रेक्टेंगल है तो इसका लेंथ होगा, तो फिर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर लेंथ, लेंथ में मैं क्या लिखूंगा, ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और ब्रेथ, आप लेंथ और ब्रेथ को कैसे भी लिख सकते हैं तो भी चलेगा। ब्रेथ आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, बी सी मैंने ब्रेथ ले लिया, तो ये हमारा हो जाएगा 35 सेंटीमीटर, बराबर। अब मैंने जो आपको बोला ना कि ये ट्रायंगल वाला पार्ट, अब आपको ये ट्रायंगल वाला पार्ट कंसिडर आउट करना है। अब जब आप ये ट्रायंगल वाले पार्ट को कंसिडर आउट करेंगे, तो आप कौन सा ट्रायंगल उठाएंगे भाई, तो इन ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी मेजर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, बराबर। यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ रेक्टेंगल, क्या लिखना है भाई, तो एंगल ऑफ रेक्टेंगल लिखना है। फिर इसमें आप चुपचाप क्या लगा दो भाई, तो पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पीटी का मतलब पाइथागोरस थ्योरम। अब ये ट्रायंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो क्या स्टेटमेंट आएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब जब मैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो ए बी का वैल्यू कितना, देखो 12, और बी सी का 35। तो यहाँ पर जब आप रखोगे, ए सी का वैल्यू नहीं पता, तो ये ए सी रहेगा, ये होगा 12 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 35 का स्क्वायर। अगेन अगर आपको ये स्क्वायर नहीं निकालने आते, तो मैंने मैथ्स की बेसिक वीडियोज डाल के रखी है, जिसमें हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में डिस्कशन किया है, तो वहां से आप उसे चेकआउट कर लीजिए। 12 का स्क्वायर 144, 35 का स्क्वायर होगा 1225, और ये हो जाएगा आपका ए सी स्क्वायर। अब हम इसे क्या करेंगे, फर्दर ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐड करोगे तो ये वैल्यू कितना आएगा, ये हो जाएगा 5 + 4 9, 4 + 2 6 और 2 3, तो ये हो जाएगा 1369। अब आपको यहां पर क्या करना भाई, तो लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बी एस मतलब बोथ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, तो यहाँ पर ये वैल्यू ऐसा हो जाएगा। फर्स्ट वैल्यू आपको क्या दिया, देखो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1369 दिया है। अब इसमें मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ पर भी लगाऊंगा रूट, और यहाँ पर भी क्या लगाऊंगा रूट। अब ये रूट और स्क्वायर रूट यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, ए सी और रूट 1369, ये किसका स्क्वायर है, तो भाई 33 का स्क्वायर है। देखो चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3 3 9, 3 3 9, फिर क्रॉस 3 3 9, फिर वापस 9, ऐड करोगे तो ये 9 हो जाएगा, 9 + 9 कितना होता है 18, 8 1, ये हो जाएगा 10, मतलब 13 का नहीं है, 13 के आगे चले, सॉरी 33 का स्क्वायर नहीं है ये, 33 के जब 33 के बाद जब हम आगे चलेंगे तो उसमें आपको किसका वैल्यू देंगे, तो ये 35 का नहीं होगा, तो ये होगा 37 का स्क्वायर। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 37 × 37, 7 7 = 49, 4 7 3 = 21 प्लस 4 25, फिर क्रॉस 7 3 = 21 2 कैरेट, 3 3 = 9 1 10,
ये 11 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6, हो जाएगा 3, ये 1, तो ये हो जाएगा 37 का स्क्वायर। मतलब आपका डायगनल का वैल्यू कितना आएगा, तो फाइनल आंसर आपको क्या लिखना है, देयर फोर डायगनल, डायगनल ऑफ रेक्टेंगल, डायगनल ऑफ रेक्टेंगल इज 37 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहेगा, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ रहेगा। तो चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इसको मार्क करने का भाई क्या हटके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यही एग्जाम में आपको क्या देगा भाई, तो फटके देगा, तो इसीलिए ये क्वेश्चंस कैसे रहेंगे हटके। तो जो भी हटके क्वेश्चंस मार्क करवाऊंगा उसका प्रैक्टिस आपको ज्यादा करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसमें टू प्रूव दैट का स्टेटमेंट देखो क्या दिया है। सबसे पहले हिंट मैं आपको बता दूं, पी क्यू स्क्वायर दिख रहा है, पी क्यू स्क्वायर के लिए हम ये वाला ट्रायंगल उठाएंगे, कौन सा, रेड वाला ट्रायंगल उठाएंगे, और फिर पी एम स्क्वायर है तो इसके लिए हम ये उठाएंगे, क्योंकि ये दोनों आपका हाइपोटेन्यूज का बात चल रहा है। और इसके बाद आपको एक और क्वेश्चन में पॉइंट है, एम इज द मिड पॉइंट। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन या फिर प्रूफ के साथ। प्रूफ में सबसे पहले आपको यही लिखना है, पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट। पॉइंट एम क्या है भाई, तो आपका मिड पॉइंट है। अच्छा, अगर ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट आपको मिलेगा आर एम इज इक्वल टू एम क्यू, इसको पुटअप करने का स्टेटमेंट नंबर 1। अब हम चलते हैं, अब हम दोनों ट्राइंगल उठाएंगे। सबसे पहले अंदर वाला ट्राइंगल उठाते हैं, तो इन ट्राइंगल पी आर एम, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल पी आर एम। तो ये देखो, ये मैंने ट्राइंगल भी बना दिया आपके लिए, ये हो जाएगा आपका पी, ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा आपका एम, दिस इज योर 90 डिग्री। तो मेजर एंगल पी आर एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, तो 90 डिग्री। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थियरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लगाएंगे स्टेटमेंट, तो ये हो जाएगा आपका पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर। इसके बाद ये स्टेटमेंट को इधर ही ऐसे रहने दो, इस ये स्टेटमेंट का काम हमें लगने वाला है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल, अभी ये कौन सा वाला लेंगे, तो आर एम हो चुका, अब हम चलेंगे पी क्यू के पास, पी एम हो गया, अभी हम पी क्यू के पास चलेंगे, तो ट्रायंगल हमारा क्या रहेगा, इन ट्रायंगल पी आर क्यू। तो यहाँ पर आपको थोड़े स्टेटमेंट छोड़ने पड़ेंगे, तो यहाँ पर आप स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर लिखो इन ट्राइंगल पी आर क्यू, तो सबसे पहले पी आर क्यू, हाँ, तो ट्राइंगल अगर मैं बनाऊँ तो ये हो जाएगा मेरा ट्राइंगल पी, ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा आर, और ये हो जाएगा क्यू, यहाँ पर 90 डिग्री का साइन। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, मेजर एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो क्या स्टेटमेंट आएगा, पी क्यू स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या रहेगा, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर, बराबर। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से चेकआउट करिए, ये हो गया आपका पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा पी आर स्क्वायर। अब ये आर क्यू को हम कैसे चेंज करेंगे, देखो आर क्यू, अब ये डायग्राम अगर आप ध्यान से चेकआउट करेंगे तो आर क्यू देखो कैसे बना, आर क्यू आपका बना है आर एम प्लस एम क्यू। तो यहाँ पर जो आर क्यू है इसको मैं कैसे लिखने वाला हूँ, तो आर क्यू की जगह मैं क्या लिखूंगा, आर एम प्लस एम क्यू द होल स्क्वायर लिखेंगे, बराबर। अब एक और स्टेटमेंट मैं आपको बता दूं, ये देखो हम लोग ने ये लिखा है कि आर एम और एम क्यू का वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पर मैं इसको और चेंज करूँगा, ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा पी आर स्क्वायर प्लस, यहाँ पर ये आर एम था, अभी ये एम क्यू की जगह, एम क्यू की जगह वापस मैं क्या लिखूंगा भाई, तो आर एम स्क्वायर लिखूंगा। क्यों ऐसा किया मैंने, क्योंकि यहाँ पर देखो ये आर एम और एम क्यू क्या भाई, तो इक्वल है। फर्दर जब हम मूव करेंगे तो यहाँ पर देखो, अभी अभी आपका स्टेटमेंट ध्यान से चेकआउट करो कि क्या होगा, ये हो जाएगा आपका पी क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका पी आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आर एम प्लस आर एम, कितना हो जाएगा, टू आर एम द होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू होगा पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर 4, और आर एम का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आर एम स्क्वायर। अब मेरे को क्या करना है, देखो क्वेश्चन में अगर मैं देखूँ ना, तो क्वेश्चन में मेरे को पी क्यू स्क्वायर चाहिए, देखो पी क्यू स्क्वायर चाहिए, पी एम स्क्वायर चाहिए, पी आर चाहिए। यहाँ पर मेरे पास क्या क्या गिवन, मैं ज़रा चेकआउट करें, पी क्यू मुझे मिल चुका है, पी आर मिल चुका है, ये आर एम, आर एम मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ये आर एम को सब्सटीट्यूट करूँगा, क्या करूँगा, सब्सटीट्यूट। अब सब्सटीट्यूट करने के लिए मैं ये वाले इक्वेशन की हेल्प लूँगा, मैंने क्या बोला था, यहाँ से हम आर एम का वैल्यू निकालेंगे तो ये पी आर को इस साइड लेके जाओ, तो इक्वेशन क्या बनेगा, पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू योर आर एम स्क्वायर, और इसको आप नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आर एम की जगह क्या सब्सिट्यूट करेंगे, तो देखो ये आपका स्टेटमेंट ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा पी आर का स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट, आर एम की जगह क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका पी एम का स्क्वायर माइनस पी आर द होल स्क्वायर।
अभी हमने क्या किया, इसको सब्स्टिट्यूट किया आरएम की जगह, ये दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो स्टेटमेंट आपका कैसे जाएगा, देखो ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, फिर प्लस ब्रैकेट ओपन करोगे तो फोर पी एम स्क्वायर माइनस फोर पी आर स्क्वायर, बराबर। हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया, फोर पी एम स्क्वायर माइनस माइनस क्या, अच्छा इधर ये ब्रैकेट डाल देना और ये भी ब्रैकेट डाल देना, फोर पी एम स्क्वायर माइनस फोर पी आर स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से चेकआउट करें तो ये पी आर सेम है, तो ये हो जाएगा आपका पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ये फोर पी एम स्क्वायर को ऐसे लिखो, फोर पी एम स्क्वायर, ये प्लस वन है माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस थ्री पी आर स्क्वायर, क्योंकि फोर माइनस वन कितना होगा थ्री, और यही आपका स्टेटमेंट है, जो भी किसका स्टेटमेंट है भाई, तो प्रूफ दैट का स्टेटमेंट है। तो आप इसके बाद लिख दीजिए हैंस प्रूफ। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहेगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ नहीं, लिंक है, वो लिंक आपको याद रखते जाना। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए जब क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या बोला है वो आपको ध्यान से चेकआउट करना है। वॉल ऑफ टू बिल्डिंग ऑन आइदर साइड ऑफ स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर, तो सबसे पहले तो दो बिल्डिंग है और दोनों के वॉल्स जो है दे आर पैरेलल टू ईच अदर। अ लैडर 5.8 टॉप रीचेस द विंडो ऑफ अ बिल्डिंग एट अ हाइट ऑफ 4 मीटर ऑन टर्निंग द लैडर, अदर बिल्डिंग का हाइट देखो कितना दिया 4.2, मतलब ये अगर मैं 4 मीटर ले रहा हूँ तो सेकंड मेरे को इससे क्या करना पड़ेगा भाई, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, तब वो 4.2 होगा। फिर इनके बीच में क्या बोला, इनके बीच में क्या है, स्ट्रीट है, बराबर, और सेंटर में क्या रखा है, लैडर, लैडर मतलब समझता क्या, सीढ़ी। तो फर्स्ट ये जो सीढ़ी है ना, इसको सेंटर में रखा है, लैडर 5.8 मीटर लॉन्ग इज प्लेस ऑन द स्ट्रीट सच दैट इट टॉप जस्ट रीचेस द बिल्डिंग ऑफ विंडो ऑफ अ बिल्डिंग एट हाइट ऑफ 4 मीटर। तो यहाँ से अगर मैंने सेंटर में यहाँ पर ऐसे लैडर रखा है, तो ये लैडर को जब मैं टर्न करता हूँ, इस तरफ टर्न करता हूँ, तो ये लैडर कुछ ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आपको क्या बना के देगा भाई, तो फर्स्ट ट्रायंगल बना के देगा। और सिमिलरली जब मैं इसको रोटेट करूंगा और ये शिफ्ट होगा, तो ये आपको यहाँ पर ऐसे सेकेंड ट्रायंगल बना के देगा, बराबर। इसका नाम अगर नामकरण करें तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, और ये पॉइंट आपका क्या रहेगा भाई, तो ई रहेगा। लैडर गाइड कितना दिया 5.8, तो ये भी होगा 5.8। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द विड्थ ऑफ स्ट्रीट, विड्थ ऑफ स्ट्रीट मतलब क्या, आपको फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक का BC का स्टेटमेंट। तो अभी आपको यहाँ पर ये 90 डिग्री तो पता ही रहेगा, क्यों, क्योंकि बिल्डिंग इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। चलिए अभी इसी को हमको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, लेट ए बी, देखो सोल्यूशन, लेट ए बी बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग 4 मीटर, मतलब क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ए बी कितना हो गया भाई, तो 4 मीटर। फिर उसके बाद सेकेंड डी सी है ना, फिर आपको लिखना है लेट डी सी बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग 4.8 मीटर, तो लेंथ ऑफ डी सी कितना हो जाएगा भाई, तो 4.8 मीटर। फिर उसके बाद लैडर, लेट ए ई और डी ई, लेट ए ई एंड डी ई बी द लैडर ऑफ हाइट 5.8 मीटर, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, तो लेंथ ए ई, लेंथ ए ई इज इक्वल टू लेंथ डी ई इज इक्वल टू 5.8 मीटर। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको लगाना है छोटा ट्रायंगल कंसिडर करना है, तो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए ई बी हम कंसिडर करते हैं, इन ट्रायंगल ए ई बी, ए ई बी डायग्राम बनाओगे तो यहाँ पर बनेगा ए, फिर ये है ई और ये है बी, इसका वैल्यू कितना दिया है 4, इसका वैल्यू दिया 5.8, और लगाएंगे इसमें पाइथागोरस थियरम। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो मेजर एंगल ए ई बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका स्टेटमेंट क्या रहेगा, ए बी परपेंडिकुलर टू बी ई। फिर आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, ए ई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर, बराबर। अब वैल्यू इसको पुटअप करो, ए ई का वैल्यू कितना दिया है 5.8, तो यहाँ पर आएगा 5.8 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू दिया 4 का स्क्वायर, फिर प्लस ये वैल्यू आपको दिया है बी ई का स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5.8 का स्क्वायर अगर मैं निकालूं तो 58 × 58 करना पड़ेगा, डायरेक्ट स्क्वायर निकाले तो 8 का स्क्वायर 4, फिर 6 कैरेड,
तो मैंने बेसिक वीडियो डाली है मैथ्स की, जिसमें हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस आउट किया है। अभी क्या करेंगे, ये जो आपका प्लस 16 है, ये जो प्लस 16 है ये इस साइड जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा भाई, तो माइनस 16 हो जाएगा। मतलब ये कैसा हो जाएगा, देखो 33.64 माइनस 16 इज इक्वल टू योर बी ई का स्क्वायर। अब फर्दर इसका इसका सॉल्विंग करेंगे तो आपको 33 माइनस 64 करना पड़ेगा, तो 33 माइनस 64 16.00। अगेन इसका बेसिक चाहिए तो बेसिक वीडियो डाल के रखी है, वहां पर चेकआउट करिए। ये 13 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 13 माइनस 6 हो जाएगा तो कितना होगा 7, और ये 2 माइनस 1 तो ये 1 हो जाएगा। मतलब आपका आंसर जो आएगा दैट विल बी योर 17.64 इज इक्वल टू बी ई का स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इसका स्क्वायर निकालना है। फिर हम क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहां पर क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब मैं दोनों साइड स्क्वायर लूंगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 17.64 इज इक्वल टू योर बी ई का स्क्वायर। तो इसके बाद जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 1764 किसका स्क्वायर है, तो इट इज अ स्क्वायर ऑफ 42। तो 42 का स्क्वायर है तो हम क्या लिखेंगे, 4.2। तो ये हो जाएगा मेरा क्या भाई, तो बी ई का वैल्यू, मतलब बी ई का लेंथ कितना हो जाएगा, तो 42 मीटर हो जाएगा। अब सेकेंड वाले के लिए भी मेरे को क्या करना भाई, तो पाइथागोरस थियरम ही यूज करना है। पाइथागोरस थियरम कैसे यूज करेंगे, तो देखो अभी आपको यहाँ का वैल्यू मिल गया कितना भाई, तो 42 मिल गया, 42 बोल रहा हूँ, ये आपको वैल्यू कितना मिल गया, 4.2 मिल गया। अब सेकेंड वाला ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल डी सी ई, तो यहां पर आप लिखेंगे इन ट्रायंगल डी सी ई, तो ये आपका बनेगा ट्रायंगल, ये ई है, ये सी है और ये डी है, तो ये हाइट है 4.8, ये हाइट है 4.2 दिया हाइट, ये हाइट दिया आपको 4.2। चलिए अब इसको जब आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, मेजर एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन, डी सी परपेंडिकुलर टू सी ई, डी सी जो है वो सी ई को परपेंडिकुलर रहेगा, देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या स्टेटमेंट आएगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो स्टेटमेंट विल बी डी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। अब सब्सटीट्यूट करेंगे तो डी ई का वैल्यू देखो कितना दिया है, 5.8 का स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी में कितना है, 4.2 का स्क्वायर, फिर प्लस सी ई का स्क्वायर। फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो 58 का स्क्वायर आपको निकालना, अभी हमने निकाला था 58 का स्क्वायर, देखो यहाँ पर कितना निकाला था, 58 का स्क्वायर 33.64। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 33.64, 42 का स्क्वायर 17.64, फिर प्लस सी ई का स्क्वायर, बराबर। अब दोनों को माइनस करेंगे तो 33.64 ये प्लस इस साइड जाएगा तो माइनस 17.64 इज इक्वल टू सी ई स्क्वायर। अब इसको जब आप माइनस करेंगे तो आपका वैल्यू कितना आने वाला, 16 इज इक्वल टू योर सी ई का स्क्वायर। फिर आप क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब बोथ साइड स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सी ई का स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, देयरफॉर सी ई का वैल्यू, देयरफॉर सी ई इज इक्वल टू 4 मीटर। ये हो गया आपका सी ई का वैल्यू। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है विड्थ ऑफ द रोड, तो मैं क्या लिखूंगा, देखो मैं लिखूंगा विड्थ ऑफ रोड इज इक्वल टू बी सी। अब BC जो है, लेंथ ऑफ BC जो है वो है लेंथ ऑफ BE प्लस लेंथ ऑफ CE। तो लेंथ ऑफ BE देखो मुझे कितना मिला, यहाँ से यहाँ पर देखो BE कितना मिला, 4.2, और लेंथ ऑफ CE कितना मिला, 4। तो यहाँ पर BE की जगह क्या रखेंगे, 4.2, और यहाँ पर क्या रखेंगे, 4, विच इज इक्वल टू 8.2 मीटर। फिर फाइनल लिखेंगे देयरफॉर विड्थ ऑफ द रोड, या फिर आप लिख सकते हो स्ट्रीट इज 8.2 मीटर। बस इतना आप लिखेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, दिस फाइनल आंसर इज 8.2। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहेगा कि कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, बहुत ही सिंपल था, बट ये डायग्राम आपको आना चाहिए, तो डायग्राम अच्छे से बना के रख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे नए आगे के कंटिन्यूएशन के साथ, इसके नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।